वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली डीटीसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं देश की राजधानी दिल्ली में कैब एग्रीगेटर सर्विस और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम को 2023 की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने अपने एक आर्टिकल में ये बताया है कि कोई भी एग्रीगेटर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो उसका अपना ऐप हो, चाहे वो कैब पोर्टल पर हो, अगर वो कंज्यूमर के साथ कनेक्ट है, चाहे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाली कैटेगरी में है, चाहे वो डिलीवरी या सर्विस प्रोवाइडर हो जैसे कि स्विगी, जोमैटो, या फिर ई कॉमर्स वाली कैटेगरी है जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बास्केट, ये तीनों कैटेगरी में ये स्कीम लागू होगी। दोस्तों, मिनिमम ये स्कीम कितनी गाड़ियां कितने व्हीकल्स पर लागू होगी, जिसके पास 25 से ज्यादा व्हीकल्स इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो उस पर ये स्कीम लागू होगी। इसके साथ दिल्ली में ऐप आधारित कैब और डिलीवरी सेवा देने वाले एग्रीगेटर को अपने वाहनों को एक निश्चित समय के अंदर इलेक्ट्रिक बेड़े में बदलना होगा। दिल्ली के अंदर काम करने वाले ऑपरेटर्स को दिए गए समय के अनुसार 90 दिनों के अंदर लाइसेंस लेना होगा। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि लाइसेंस लेने वाले ऑपरेटर्स को नियमित तरीके से अपने वाहन बेड़े को 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। अगर इस स्कीम के किसी भी नियमों को तोड़ा जाता है या पालन नहीं किया जाता है तो एग्रीगेटर और सेवा प्रोवाइडर के ऊपर 5,000 से 1,00,000 तक का जुर्माना देना होगा। कोई भी एग्रीगेटर या कंपनी को दिल्ली NCR के अंदर अपना ऑफिस लेना होगा और अपने वाहन की कोई भी कमांड या इन्फॉर्मेशन दिल्ली सरकार को देनी होगी। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन जैसी समस्या काफी बढ़ रही है और दिल्ली सरकार ने ये जो कदम उठाया है जिससे दिल्ली वासियों को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि दिल्ली में स्कूटर या बाइक्स या टैक्सी चलते हैं जिससे काफ़ी प्रदूषण होता है, और उन्होंने जो इलेक्ट्रिक बसें लाई हैं अभी दिल्ली के अंदर, जो अभी 400 करीब अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं, तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक बसें आती जाएंगी और जो परिवहन का जो बेड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दिल्ली सरकार जो भी दिल्ली में जो भी निजी वाहन चल रहे हैं जैसे कि स्कूटर, बाइक्स और कैब वगैरह, तो इन सभी को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर लाने की कोशिश कर रही है जिससे दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो सके। और दोस्तों, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं और आगे आने वाले कुछ महीनों में इन इलेक्ट्रिक बसों को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा जिससे दिल्ली एक ऐसा शहर बन जाएगा मेक इन इंडिया कहलाने वाला। और दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने इस स्कीम को जल्द से जल्द बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, बस ये थी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।